रियल एस्टेट एजेंट के बारे में मैं शायद आपको कम बता पाऊंगा एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट Uh, को इतना समझ होना चाहिए कि एक प्रॉपर्टी जो होती है वो कोई अगर ख़रीदता है वो अपने कंधे में लेके जाके कंधे में रख कर कहीं लेके नहीं जाता अगर फर्ज़ करो ज़मीन है वो ज़मीन अगर उसने आज खरीदी है या कल बेची है तो ज़मीन तो वहीं पर रही क्या बदला बदला उसका टाइटल बदले उसके कागजात तो एक प्रोफेशनल रियल इस्टेट एजेंट को समझ होनी चाहिए कि इसकी जो करेंट ओनरशिप है वो किस तरह की ओनरशिप है क्या ये एक प्रोपराइटर की ज़मीन है क्या ये एक पार्टनरशिप वालों की ज़मीन है क्या ये एक प्राइवेट लिमिटेड की ज़मीन है क्या ये ज़मीन लीज़ होल्ड है क्या ये फ्री होल्ड है क्या ये ट्रस्ट लैंड है और जो लोग ख़रीद रहे हैं ये प्रॉपर्टी वो क्या एक इंडिविजुअल है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है प्रोप्रेटरशिप कंपनी है यहाँ हस्बैंड वाइफ की टीम है यहाँ पार्टनरशिप है अगर उसको ये सब समझ में आता है तो ज़मीन तो वहीं पर रहेगी वो उसके पेपर बनाएगा इस ओनरशिप से ये ख़रीदने वाले के टाइटल्स में वो उसको कन्वे करेगा ये इसका एक पहलू है उसके अलावा उस प्रॉपर्टी जो हमने खरीदनी है या बेचनी है उसका पास्ट सर्च रिकॉर्ड अगर आ, उसको लॉयर की हेल्प लेके एक वकील की हेल्प लेके निकालना पड़े या उसका कोई बैंक मॉर्गेज हो वो निकालना पड़े एंड उसका पेमेंट शेड्यूल कैसा हो तो ये भी इसका एक पहलू है इसके अलावा अभी मैं बात करूँगा एक रियल इस्टेट एजेंट रियल इस्टेट एजेंट मोस्टली आपको मिलेगा कि वो आपको प्रॉपर्टी बता देंगे सर ये प्रॉपर्टी है आप इतने में बेचनी है क्या आप खरीदोगे वो बोलेगा हाँ हम खरीदेंगे या प्राइस नेगोशिएट करेंगे और वो बेचने वाले और ख़रीदने वाले के ऊपर छोड़ देगा कि आप कैसे उसका पेपर बनाएं कैसे उसका आप जाँच पड़ताल करें या वकीलों को पैसा दे के आप सब काम करें उसका काम है सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाया और मेरा कमीशन मेरा ट्रांजैक्शन फी लागू है तो आज जो कस्टमर है वो कस्टमर रूम सर्विस चाहता है वो चाहता है कि मुझे कंप्लीट सर्विस मिले तो अब वो रियल एस्टेट एजेंट का ज़माना नहीं रहा एक प्रोफेशनल जिसको टाइटल की स्टडी होए, टैक्सेशन की स्टडी होए, लॉ की स्टडी होए, एंड फाइनेंशियल्स ट्रांजैक्शंस की स्टडी होए, वही आज सक्सेसफुल हो सकता है क्योंकि क्लाइंट जब कोई घर खरीदता है या प्रॉपर्टी खरीदता है वो अपने जिंदगी भर की पूंजी लगाता है शायद वो बैंक लोन लेता है वो इट इट कैन बी द बिगेस्ट ओकेजन ऑफ डैट पर्सनस लाइफ उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ओकेजन हो सकता है तो वहाँ पर एक ट्रस्टेड प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है जो उनको ठीक तरह गाइड करे और अगर अगर वो ट्रस्टेड प्रोफेशनल है शायद वो खुद बोले कि ये ज़मीन आप मत लो या ये घर मत लो इसमें प्रॉब्लम है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ वो अपने पैसे बनाने के लालच में ख़रीदार को कभी तकलीफ में नहीं डालेगा वेल well, मैंने कुछ स्टडीज़ किया है कुछ एग्ज़ाम दिया है एंड वो पास होने के बाद में फिर मैंने मुझे फ़ीस भरनी पड़ी लाइसेंस फीस और ये हमने डॉलर्स में भरा है एन नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स यू में हमारे देश में एक रियल इस्टेट एजेंट बनना बहुत आसान है अगर आपके पड़ोस में या आपके जान पहचान में कोई प्रॉपर्टी है या कोई आपके पास घर है या मकान है और आप किसी को भी जाके प्रपोज कर सकते हो कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास है आप इतने में ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद लो वो होएगा एक रियल इस्टेट एजेंट बट रियल इस्टेट प्रोफेशनल विल हैव टू टेक अ लाइसेंस हमारे कंट्री में लाइसेंसिंग नहीं है रियल इस्टेट एजेंट कोई भी बन सकता है बट नॉर्थ अमेरिका में यूरोप में कैनेडा में बाहर के एडवांस कंट्रीज में इनफैक्ट इवन इन दुबई लाइसेंसिंग इज मैंडेटरी अगर आपको रियल इस्टेट की प्रैक्टिस करनी है आपको स्टडी uh, करना पड़ेगा और उसके बाद में एग्जाम देना पड़ेगा जिसमें रियल uh, इस्टेट के बारे में टाइटल्स के बारे में ओनरशिप्स के बारे में इंश्योरेंस के बारे में फाइनेंस के बारे में क्वेश्चंस uh, आएंगे और उसका आप सही से जवाब दोगे आप पास हो जाओगे फिर आपको लाइसेंस फीस देना पड़ेगा फिर उसके अलावा आपको एक कोड ऑफ एथिक्स होता है वो कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर आपको साइन करना पड़ेगा जैसे एक डॉक्टर कोड ऑफ एथिक्स पे साइन करता है या जैसे हमारे पॉलिटिशन्स uh, शपथ लेते हैं कि मैं ये कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करूँगा सिमिलरली एक रियल इस्टेट एजेंट को कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर साइन करना पड़ता है कि वो अपना कोड ऑफ एथिक्स ब्रेक नहीं करेगा तो एसेंशली uh, हमारे देश में ये अभी लाइसेंसिंग शुरू नहीं हुई है इसलिए हम कुछ लोगों को बाहर जाकर सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है लाइक like अमेरिका में जाके सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है उनके एग्जाम्स पास करके उनको डॉलर्स में पैसे भर के फिर हम सर्टिफिकेट लेते हैं इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि फॉरेन कंपनीज जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई लैंड लेना चाहते हैं या ऑफिस लेना चाहते हैं तो वो ऐसे लोगों को तलाशते हैं जिनके पास सर्टिफिकेशन हो कम्फर्टेबल होते हैं उनके साथ डील करने के लिए जो मैंने आपको पहले कहा था वही चीज़ मैं आपको अलग तरीके से दोहरा दूंगा वो फ़र्क ये होता है कि एक स्टेट एजेंट शायद सिर्फ़ आपको घर दिलाना चाहता है और अपनी कमीशन लेना चाहता है लेकिन एक प्रोफेशनल जानता है कि आप एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और वो ए से ले बी से ले जेड तक आपके साथ में आपका हाथ पकड़ के रहेगा वो शायद वो डेवलपर का आ, हिस्ट्री निकालेगा वो लैंड की हिस्ट्री निकालेगा एंड लॉयर्स uh, uh, को कंसल्ट करके कि कितनी सेफ्टी है इस डील में वो बताएगा इसमें क्या अप्रिसशन मिलेगी आपको अगले दो साल तीन साल पाँच साल में वो बताएगा और वो शायद इतना स्टडी करेगा जो उसके क्लाइंट uh, को भी नहीं पता अगर वो सेटिस्फाइड है कि इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है या इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है आगे जाके यहाँ पे ट्रेन आएगी एयरपोर्ट आएगा मेट्रो स्टेशन आएगा डिपार्टमेंट स्टोर आएंगे टाउनशिप्स आएंगे तो आपको बोलेगा कि आप ये जगह ले लीजिए और अगर उसको यहाँ की फ्यूचर अच्छी नहीं दिखती है तो वो शायद आपको दूसरी जगह दिखा देगा वो बोलेगा ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है हाँ जी हमने रिसेंटली एस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की रेटिंग कराई है देर इज़ अ कंपनी कॉल क्राइसिल इट इज़ owned बाय स्टैंडर्ड एंड Poor's, जो एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है तो उन्होंने हमें अप्रोच किया था कि हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की रेटिंग शुरू कर रहे हैं क्या आप कराना चाहते हैं तो हम कॉपरेट uh, स्टाइल से फंक्शन कर रहे हैं काफ़ी सालों से तो तब हमें भी समझ नहीं थी लेकिन uh, हम उनके साथ में पॉजिटिव हो गए और उन्होंने हमारे तीन चार साल के बैंक स्टेटमेंट्स मांगे उन्होंने हमारे ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं सबका बायोडेटा मांगा आ, कितने साल से काम करते हैं वो पूछा हमारे ऑफिस में विजिट की उन्होंने हमारे यहाँ फ़ोटोग्राफ्स निकाली और आ, हमारे पास क्या पर्सनल लेवल पे मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है कौन सी गाड़ियाँ हैं और क्या लोन्स हैं हमने अगर कोई कार पे या कोई प्रॉपर्टी पे लोन लिया है या वर्किंग कैपिटल पे लोन लिया है और हमारे कौन कौन क्लाइंट्स हैं हमने पिछले तीन साल में मेजर कौन से क्लाइंट्स के साथ डील किया है उनके नाम मांगे हैं तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमने उनको दे दी और हम भी नहीं जानते थे ये क्या है लेकिन बाद में हमें ये पता चला कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक मेरा क्लाइंट है इंडस इंड बैंक उनको हमने बैंक का, का ब्रांच के लिए जगह दी तो वहाँ पे मैंने पढ़ा कि इंडस इंड बैंक को इन्होंने ए ए ए रेटिंग दी है एंड एक दूसरी हमारी मोटर कंपनी है जो बी की गाड़ियाँ बेचती है उनको बी रेटिंग दी है तो मैंने उनको प्रश्न पूछा इससे क्या होता है बोलते हैं तो उन्होंने ये बताया कि इससे ये पता लगता है कि आपके जो करेंट क्लाइंट्स हैं फ्यूचर उनका फ्यूचर कैसा है तो उससे आपकी रेटिंग में भी फ़र्क पड़ता है और उन्होंने शायद हमारे बैंक में कांटेक्ट किया आ, और उनसे हमारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड पूछा हमारा कोई आ, लोन्स है उसकी सर्विसिंग कैसे हो रही है वो पूछा उन्होंने इससे मुझे ये पता चला कि इन्होंने ना तो सिर्फ हमारी क्रेडिट रेटिंग की है इन्होंने हमारी क्रेडिबिलिटी रेटिंग की है और हम हमारे क्लाइंट्स को एश्योरेंस मिलेगी कि ये कंपनी एक स्टैंडर्ड कंपनी है और ये प्रोसीजर्स करते फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं एंड इन डेप्थ स्टडी करते हैं और क्लाइंट को राइट right गाइडेंस देंगे नवी मुंबई पिछले एक साल में काफ़ी ग्रो तो हुआ है हर हर न, नए नोट्स खुले हैं पिछले एक एक साल में द्रोणागिरी करांजदे उलवे जो दो तीन साल पहले खुला था उसने भी काफ़ी एक्सपैंड किया है और पिछले एक साल के अंदर गुड न्यूज़ ये है कि हमारे एयरपोर्ट को क्लियरेंस मिल रही है क्लियरेंस मिल गई और टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है बट टू बी वेरी ऑनेस्ट लास्ट वन ईयर में हम लोगों ने वैसी अप्रिसिएशंस नहीं देखी जैसे हम देख दे, देखनी चाहिए थी सिवाय कोई स्ट्रिप्स में जैसे पाम बीच रोड पिछले एक साल में एटलीस्ट इन स्पाइट ऑफ स्लो डाउन एवरीवेयर पाम बीच रोड हैज़ विटनेस्ड ऑलमोस्ट आई कैन से बिटवीन 20 टू 30 परसेंट राइज सो देट इज द प्रिफर्ड डेस्टिनेशन पाम बीच रोड दे आर नॉट मेयरली हाउसेज दे आर ड्रीम्स और दे आर सिग्नेचर लाइफ स्टाइल्स हमारे अंडरस्टैंडिंग में अफोर्डेबल हाउसिंग एटलीस्ट इन मेट्रो ऑफ लाइक बॉम्बे थाना नवी मुंबई इन द फेरी इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा साढ़े चार हजार रुपया स्क्वायर फुट एंड बिलो ये हमारा डिस्क्रिप्शन uh, है अफोर्डेबल हाउसिंग का एंड uh, रायगढ़ नवी मुंबई के जो पेरीफेरी में आता है जहाँ पे करंचंदे विचुम्बे करजत खपोली एंड पनवेल के आउटस्कर्ट्स आते हैं वहाँ पे इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू बाय डिसेंट क्वालिटी हाउसेस फॉर थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ एवरेज अगर पाँच सौ स्क्वायर फुट का घर हो डेवलपमेंट चार्ज रजिस्ट्रेशन सब पकड़ के आपको बीस एक लाख तक एवरेज घर आ जाना चाहिए मैंने अपने आँखों से देखा है कुछ साल पहले जो हीरो थे रियल uh, इस्टेट के जो अच्छा बिजनेस करते थे ब्रोकिंग का आज वो शक्लें काफ़ी नज़र नहीं आ रही है मुझे uh, जब ये नया नया मार्केट आया था तब बहुत कम प्लेयर्स थे एंड जो कम प्लेयर्स थे उनको काफ़ी बिजनेस मिल रहा था और वो अपने स्टाइल में फंक्शन कर रहे थे एंड दे वर डूइंग वेरी गुड गॉड ब्लेस देम बट जैसे जैसे मार्केट बढ़ा और प्रोफेशनल्स धीरे धीरे अंदर आए और जागृति आई क्लाइंट्स के अंदर डेवलपर्स के अंदर इन्वेस्टर्स के अंदर एंड uh, जो कमर्शियल uh, आउटफिट्स है जो यहाँ पे धीरे धीरे करके आए शेयर में जैसे जैसे उनमें जागरूकता अवेयरनेस आई तो मैंने देखा कि वो जो फ्यू नंबर ऑफ हीरोज थे दे वर नॉट अप टू इट वो दे कुड नॉट लिव टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस क्लाइंट्स दूसरा चेंज हमने ये देखा कि uh, कुछ साल पहले जो रियल इस्टेट कंपनीज़ थी वहाँ पे एक ओनर होता था या शायद दो पार्टनर होते थे और उनके एक ऑफिस बॉय होता था एंड डेथ सेट और वो आपस में इतना काम संभाल लेते थे एंड अच्छा काम कर लेते थे लेकिन आज उस किस्म के चेहरे बहुत कम नज़र आते हैं आज जो रियल इस्टेट में आउटफिट्स हम देखते हैं वो एक टिपिकल ऑफिस होता है जो सक्सेसफुल काम कर रहे हैं जहाँ पे छः लोग आठ लोग दस लोग पंद्रह लोग काम करते हैं तो उनके ऑफिस में जाते हैं तो ऐसे लगता है आई ऑफिस है हमें आठ छः पाँच दस कंप्यूटर्स नज़र आते हैं उनकी बैक ऑफिस टीम्स होती हैं मार्केटिंग टीम्स होती हैं अकाउंट्स एच वाले होते हैं एंड कुछ लोग स्पेशल स्पेशलाइज़ करते हैं रेजिडेंशल में कुछ लोग स्पेशलाइज़ करते हैं कमर्शियल में कुछ लोग स्पेशलाइज़ करते हैं इंडस्ट्रियल में या रिटेल में तो और आगे जाके आ, हम ये सोचते हैं कि स्मॉल प्लेयर्स विल डिजपेयर सिंगल मैन टू मैन आउटफे विल डिजपेयर ओनली लार्ज टीम्स जहाँ रियल इस्टेट ब्रोकरेज का हर एक एरिया कवर होता है वैसी एक इंटीग्रेटेड टीम ही सर्वाइव कर पाएगी थैंक यू सो मच इट वॉज अ रियल प्लेजर हैविंग यू